नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मिल्स मीडिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमेज पे बॉर्डर कैसे बनाते हैं। सो दो तरीके मैं बताऊंगा। शुरू करते हैं पहले तरीके से। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल। या आप देख सकते हो एक रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल रहेगा लेफ्ट साइड टूल बॉक्स में, तो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ दोस्तों आपको बैकग्राउंड लेयर अनलॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे यूज़ कीजिए। तो मैं इमेज पे जाके एक सिलेक्शन बना देता हूँ। तो ये हो गया मेरा एक सिलेक्शन। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट पे जाना है, इनवर्स पे क्लिक करना है। तो ये हो गया मेरा इनवर्स सिलेक्शन। और अब आपको डिलीट दबाना है। तो यहाँ एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ कलर चूज़ कर रहा हूँ और रेड कलर में चूज़ कर रहा हूँ। तो ओके दबा देता हूँ। वापस से करो ओके, यहाँ मेरा बॉर्डर बन गया है। तो कंट्रोल डी डी सेलेक्ट करने के लिए। तो ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मैं यहाँ यूज़ करूँगा क्रॉप टूल का। तो यहाँ आपको क्रॉप टूल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको बस एक्सटेंड करना है इमेज। तो मैं चारों साइड से एक्सटेंड कर देता हूँ इसको, ताकि ये बॉर्डर बन जाए। तो होने के बाद आप बस एंटर दबा दीजिए। और तो ये हो गया मेरा सेकंड स्टेप। तो यार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।